एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज फल कथन की सीरीज में हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो तो जातक को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी समुचित जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। आप जो भी लग्न के जातक और जातिका हैं, स्त्री पुरुष हैं, तो आप अपनी कुंडली में देखें कि किस तरह से जो हम बता रहे हैं इस तरह की संभावनाएं आपकी बनती है। तो ये दर्शाता है चंद्रमा पीड़ित होने से क्या हो सकता है, आपको वो हम बताने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि लग्न का मजबूत नहीं होने से वो परेशानियों को बढ़ा देता है। अगर लग्न कमजोर है उसके बाद में चंद्रमा भी अगर पीड़ित है तो क्या संभावनाएं बन सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो शनि के साथ पीड़ित है और ये जो भाव है छठे अठे भाव त्रिक भाव है, ये अच्छे भाव नहीं कहलाते। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा अगर छठे में, जैसे यहाँ चंद्र शनि है, यहाँ चंद्र शनि हो, यहाँ चंद्र शनि हो, तो इसका जो प्रभाव शनि के कारण जो भी प्रभाव रहते हैं वो लंबी अवधि तक अपना कार्य करते हैं, वैसा फल देते हैं, खराब फल देते हैं। तो चंद्र और शनि का ऐसा मिलन एक विष योग के, इसको ज्योतिष में संज्ञा दी गई, इसको योग बताया कि विष योग कहलाता है। तो विष के समान ये प्रभाव देने वाला होता है और धीरे धीरे आपको तकलीफ देता है। तो शनि जो है वो नाश करता है इन चीजों का। तो इन दोनों के ग्रहों के अशुभ प्रभाव छठे आठे बारह भाव में होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन और तनाव बढ़ जाएगा आपका। इसका परिणाम यह है कि अगर ऐसी कुंडली में आपका छठे आठे बारह में अगर चंद्र शनि का ऐसा योग बन रहा है तो ये डिप्रेशन देगा, तनाव देगा। तो उसके लिए आपको जो भी उपाय के स्वरूप में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करना चाहिए और आपका मन को शांत करना चाहिए और शनिदेव की आराधना करना चाहिए, शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो जो इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर शनि का प्रभाव आपके शनि जो है, चंद्रमा जो है, अगर आपका प्रभाव अगर लग्न पे पड़ रहा हो या ग्यारहवें भाव बारहवें भाव लग्न और पहला लग्न और दूसरा भाव, इन चार भावों पे अगर आपका मान लो कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, ये चंद्रमा मान लो वहाँ पे नीच का है या सूर्य और राहु के साथ में है, जैसे यहाँ सूर्य है यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए या राहु हो यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए यहाँ बैठ जाए, ग्यारहवें भाव बारहवें भाव और लग्न और दूसरा भाव, इन भावों में अगर चंद्रमा पीड़ित होके नीच का हो और पाप प्रभाव हो और दूसरे पापी ग्रहों के साथ में हो, सूर्य के साथ में हो, सूर्य राहु सूर्य और सूर्य चंद्रमा सूर्य और राहु चंद्रमा की युति अगर यहाँ बन रही है ग्यारहवें भाव में बारहवें भाव में लग्न में और दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है या चंद्रमा के साथ राहु है, तो ये जो है सिर दर्द और मस्तिष्क पीड़ा देता है। तो जो ज्योतिष के अनुसार अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि चंद्रमा अगर इन भावों में आपका सूर्य के साथ में या राहु के साथ में पीड़ित हो जाता है तो आपको सिर दर्द या मस्तिष्क पीड़ा होने की संभावनाओं को जन्म देता है। तो उपाय जो हमने पहले बताया वो कीजिए, साथ साथ में सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य आराधना कीजिए, राहु के मंत्रों के जाप कीजिए, अगर राहु चंद्र है तो राहु के मंत्रों के जाप कीजिए, अनुलोम विलोम चंद्रमा के लिए कीजिए। तो इस तरह के उपाय से उनके प्रभाव को आप कम किया जा सकता है। तो ऐसे ही चतुर्थ भाव भी हमारा जो है सुख भाव कहलाता है। तो यहाँ पे भी अगर ये लग्न प्रभावित हो रहा है, चौथा भाव भी प्रभावित हो रहा है और चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा ये सब पीड़ित हो, लग्न लग्न का स्वामी नवम भाव नवम भाव का साड़ी और चंद्रमा अगर ये पापी ग्रह जो हैं राहु सूर्य मंगल इनसे प्रभावित हो रहा है तो ये आपके जो मानसिक रोग होते हैं
वो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये पाप प्रभाव में आने से ये इनके प्रभाव को वो कर देता है। ये चतुर्थ भाव जो है और लग्न भाव है, ये पापी कर्म के प्रभाव में आने से आपका मन पे असर करता है और वो मन पीड़ित होगा, चंद्र पीड़ित होगा, लग्न पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित होगा, तो ये मानसिक रोग को जन्म दे देता है। तो उनके प्रभावों को कम करने के लिए आपको उन सभी ग्रहों का जो भी है उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए और आपको प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। साथ साथ में जो भी ग्रह इसमें प्रभाव में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लग्न है बुध है, तो बुध के गणेश जी की आराधना करके बुध के मंत्रों जाप कर सकते हैं। या 9 नंबर के जो राशि बन रही है, 9 नंबर का राशि पे भी मान लो प्रभाव आ रहा है, बृहस्पति पे भी अगर प्रभाव आ रहा है पापी ग्रहों का, तो आपको इनके बृहस्पति के मंत्रों के जाप करना चाहिए। और साथ साथ में चंद्र ग्रह है उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए। तो इन ग्रहों के साथ साथ में इनमें जो पाप ग्रह जो सूर्य है उनका प्रभाव आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सूर्य का प्रभाव, या यहाँ पे राहु का प्रभाव आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है चंद्र राहु की युति, चंद्र सूर्य की युति यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। और ये तो लग्न का स्वामी और चौथा भाव स्वामी और चंद्रमा, ये सभी पापी ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हैं। तो उनके मंत्रों के जाप करते हुए ग्रहों के साथ करना चाहिए, जिससे मानसिक रोग जो है उसका प्रभाव को कमजोर किया जा सके। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से विष योग का प्रभाव कैसा होता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से आपको 11वां भाव 12वां भाव लग्न और दूसरे भाव पे चंद्र का राहु या सूर्य से प्रभाव होगा तो सिर दर्द मस्तिष्क पीड़ा होती है, और चौथा भाव और चंद्रमा प्रभावित होने से आपको जो है मानसिक रोग होने की संभावना को बढ़ाता है। तो इस तरह हमने देखा ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अगर इस तरह से प्रभाव आ रहा है तो आपको मानसिक रोग होना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, ये सब होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है और उपायों के द्वारा उसको कमजोर किया जा सकता है। आपने हमारे वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल एस्ट्रॉल सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, और आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज फल कथन की सीरीज में हमने चंद्रमा के पीड़ित होने की संभावनाओं पर क्या हो सकता है वो आपको कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। ये आपको सीरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।